देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बूथ और सेक्टर अध्यक्षों की हुई बैठक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है, तो वहीं ब्लॉक शाखा के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विधायक प्रतिनिधि ध्रुव यादव उर्फ चीनी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके साथ ही पार्टी को मजबूत करने की अपील की। वहीं उन्होंने बताया कि प्रसपा के सभी बूथ अध्यक्ष व एक्टर अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। आगामी 5 जनवरी को लेकर कार्यों का शिलान्यास एवं विकास सामाजिक परिवर्तन रैली 5 जनवरी को लेकर सभी बूथ अध्यक्षों एवं सेक्टर अध्यक्षों से कहा कि 5 तारीख की ऐतिहासिक परिवर्तन रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लें। उसराहार से संवाददाता गौरव साके की रिपोर्ट। चुनाव है और 5 तारीख को मानी दिसंबर की जा रही है। हमारे विकास का कार्यक्रम में जो भी विकास कार्य कराई जा रही है, सत्य कार्य कार्यक्रम है, वो बड़ी जरूरत है। इस कार्यक्रम में काफ़ी सारे चर्चा करवा रही हूँ। गठबंधन हमारे क्षेत्र में लोग लेके आए गाँव गाँव, हम लोगों में प्रचार करें, बताएं लोगों को विधायक द्वारा ये काम करा जा रहा है। हमारी विपाली जी हमारे विधायक हैं, लेकिन जितने भी कई काम हो रहे हैं, जन जन तक ये पहुँचाना कि हमारे विकास कार्य है। बिना सरकार से होते हुए 50 गाँवों का शिलान्यास माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री विपाल जी द्वारा 10 कार्य योजनाओं के लिए बराज कर रहे हैं। कई रोड हैं, गहरी रोड बन रहे हैं, सारे रोड। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।